हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से टिफिन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की टिफिन की रेसिपी बहुत ही यमी होने वाली है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी और हाँ, हेल्दी भी बहुत होने वाली है। इसका नाम है वेज फाइटास। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगेंगे। तो चलिए फटाफट तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज वगैरह कट कर लेते हैं। तो मैंने एक प्याज ली है और इसे हम स्लाइसेस में कट करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और हाँ, टिफिन तो बिल्कुल खाली होके ही आएगा। दो हरी मिर्च काटेंगे और 2 से 3 लहसुन की कलियां हैं, इन्हें भी हम कट कर लेंगे। अब हम कैप्सिकम कट करेंगे। मैंने 3 प्रकार की कैप्सिकम ली है और उसको एक एक टुकड़ा निकाल लिया है, उतना ही कट करना है। और ये देखिए, मैंने एक पनीर लिया है पूरा, उसे भी हम कट करेंगे, वो भी स्लाइसेस में लंबे लंबे, है ना। ऐसे ही हमने कैप्सिकम भी कट किया है। तो हमारे सब्जियां तो कट हो गई हैं, तो अब हम फ्राई करने चलते हैं, बनाने चलते हैं मतलब। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑलिव ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। और हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। और ये देखिए, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, हल्का सा। जैसे कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और हाँ, हम इस पे डाल रहे हैं मिक्स हर्ब, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे, हमें इसे अच्छे से पनीर को रोस्ट करना है। और ये देखिए, इसका कलर हर जगह से अच्छे से आ जाना चाहिए, हमें चारों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई करना है। और मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे जिससे ये जले नहीं। और ये देखिए, कलर अच्छे से आ गया है, ना तो ये जला है और ना ही ये कम फ्राई हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ये देखिए, हमने इसे निकाल लिया। अब इसमें वापस से मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के तकरीबन, और हम इसमें अपने लहसुन को डालेंगे और हल्का सा सौते करेंगे, फिर हरी मिर्च डाल देंगे और अपने प्याज डाल देंगे। और इन्हें हम बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं होने देंगे, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा वैसे ही हम बाकी के वेजिटेबल डाल देंगे। देखिए, कलर चेंज हो गया है, तो मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दिया है और इसे भी हम थोड़ा सा सौते करेंगे। कैप्सिकम को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, और कैप्सिकम के साथ ही हमारी प्याज भी और ज़्यादा भुन जाएगी। ये लीजिए, देखिए देखने में ही कितना टेस्टी दिख रहा है ना। देखिए, लगभग बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम लास्ट में डालेंगे सीजनिंग, और थोड़ा सा ही हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर और सोया सॉस। अब इसको हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब, इसे भी हम मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, वो भी स्वाद अनुसार, क्योंकि हम ये पहले भी पनीर में डाल चुके हैं, तो इसलिए हमें ध्यान से थोड़ा ही डालना है। और गैस को हम बंद कर देंगे और अपना ये जो हमने रोस्ट किया था पनीर, इसको इसमें मिक्स कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, फिलिंग तो हमारी रेडी हो गई है फाइटा की। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अपने चपाती रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये टॉर्टिलाज हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ही ये देखिए मिलते हैं। आप नॉर्मली चपाती बना लें और चपाती से ही इजीली बन सकता है। तो हमने जैसे ही तवा गरम किया है और अपनी चपाती को इसमें तवे में डाल के दोनों साइड से हमें सेक लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा सेकेंगे। और अभी मैं 2 ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से मुझे टिफ़िन पैक करना है। तो मैंने ये देखिए दोनों अच्छे से तवे पे सेक लिया है और अब इसको हम पैक करेंगे, है ना। तो अब इसे हम फिल करेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे ये मसाला, देखिए। अब हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, अब लेटस डालेंगे थोड़े से। लेटस अगर आपके पास नहीं हो और नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा बारबेक्यू और थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी मैं डाल रही हूँ। और इसके रोल बना दें जिस तरीके से आपके बच्चे जिस उसमें खाते हों, कि जैसा रोल पसंद करते हों, जैसा कंफर्टेबल हो उनके लिए, आप उस टाइप से रोल बनाएं। और मैं नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ, बच्चे इस तरीके से खाते हैं। और टूथपिक मैंने इसमें लगा दिया है, और जैसे ये सेट हो जाएगा जब मैं इसको पैक करूँगी तो ये टूथपिक मैं निकाल दूँगी।
क्योंकि समटाइम याद नहीं रहता है बच्चों को और ये अच्छा नहीं है टूथपिक लगाना। तो ये देखिए, क्योंकि मुझे अभी फोटो लेना था तो इसलिए मैंने टूथपिक लगाया। तो चलिए अब हम फटाफट हम अपने टिफिन को पैक कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने अपने फाइटाज रख दिए हैं और एक खाने में हम रखेंगे एप्पल्स। ये दोनों ही इस तरीके से, ये देखिए कितना हेल्दी हमारा टिफिन रेसिपी है और ये बच्चे को बहुत पसंद आएगा। और आपको भी अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।